रीवा जिले में युवा कांग्रेस चुनाव के परिणाम आ गए हैं। जिला अध्यक्ष और विधानसभा के अध्यक्ष और महासचिव पदों के लिए निर्वाचित नामों की घोषणा की गई। देखिए इस खास रिपोर्ट में। आपको बता दें, इससे पहले रीवा जिला अध्यक्ष दिवाकर द्विवेदी और रीवा विधानसभा क्षेत्र अनुज त्रिपाठी सनी अध्यक्ष रह चुके हैं। 7 वर्षों के अंतराल के बाद एक बार फिर युवा कांग्रेस का चुनाव हुआ, जिसमें जिला अध्यक्ष पद के लिए आशुतोष तिवारी, जिला उपाध्यक्ष पद पर आलोक मिश्रा और अनूप सिंह, सचिव अखिल त्रिपाठी और संगीता तिवारी निर्वाचित हुए हैं। जीत के बाद इंजीनियर राजेंद्र शर्मा के कार्यालय पहुंचकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया और हर्षोल्लास के साथ जीत का जश्न मनाया। उन्होंने विश्वास दिलाया कि आने वाले समय में पार्टी और संगठन को मजबूत करेंगे और पार्टी को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे, साथ ही नई ताकत देने का कार्य करेंगे। मौजूदा सरकार के गलत निर्णय के खिलाफ पुरजोर विरोध करेंगे। चुनाव सम्पन्न हुआ और पूर्णतः चुनाव निष्पक्ष तरीके से हम लोगों ने लड़ा और मैं जिला उपाध्यक्ष नियुक्त हुआ हूँ। हमने जो कमेटी बनाई थी उसमें 4 लोगों ने चुनाव जीता। इसमें अमृतांश जी सिरमौर से, प्रमोद पटेल जी गुढ़ विधानसभा से, हर्षवर्धन तिवारी जी निर्विरोध मनिगवा से और रावेन तिवारी जी चौथर से निर्विरोध चुनाव जीते। हम उसी ताकत के साथ आगे भी लड़ते रहेंगे और पूरी तैयारी के साथ भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ते रहेंगे और पूरी ताकत के साथ राहुल जी की मंशा के अनुसार कार्य करते रहेंगे और हमारे चारों विधानसभा अध्यक्ष पूरी तन्मयता के साथ, पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहेंगे, राहुल जी के साथ खड़े रहेंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी के साथ खड़े रहेंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के विक्रांत भूरिया जी के साथ खड़े रहेंगे और जहां भी उन्हें ज़रूरत महसूस होगी हम पूरी तन्मयता के साथ परस्पर उनका सहयोग के लिए तत्पर रहेंगे। आपको जो भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। आज जैसा कि आप लोगों को विदित है, पहले तो मैं मीडिया के तमाम समस्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के साथियों को यूथ कांग्रेस परिवार की तरफ से दिल से शुक्रिया और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने एक कम समय में और कम बुलावे पर आप लोगों ने यहाँ पर आकर समय दिया। इसके लिए यूथ कांग्रेस परिवार और जो नव निर्वाचित हमारा यूथ कांग्रेस परिवार है उसकी तरफ से दिल से धन्यवाद और शुक्रिया। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस के इलेक्शन अभी हो रहे थे और उनके वोटिंग हुई और आज उसके परिणाम हैं। परिणाम स्वरूप पूरे पहले तो हम पूर्व जिलाध्यक्ष होने के नाते यूथ कांग्रेस के रीवा जिले के सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को जिलाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी और जो जिन पदों पर जीते हैं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तमाम सबको मैं पूर्व अध्यक्ष होने के नाते दिल से बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जिले के अंदर जैसा कि हमारी टीम का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, कहीं पे हमारा अध्यक्ष उपाध्यक्ष बन पाया, कहीं पे हम अध्यक्ष बने, हमारे 4-5 विधानसभा में बहुत अच्छी ताकत रही और जहां थोड़े बहुत वोटों से हमारे साथी रह गए वो सब उपाध्यक्ष बने। राहुल जी की मंशानुसार यहाँ पर कोई हारता नहीं है, संगठन का चुनाव है, सारे के सारे लोग पदाधिकारी हैं और ये एक परिवार है। चुनाव कल तक था, आज चुनाव खत्म हो गया। अब जो लड़े थे वो सब हमारे एक साथ हैं, हमारे भाई हैं। कोई अध्यक्ष बना है, कोई उपाध्यक्ष बना है, कोई जनरल सेक्रेटरी बना है, कोई सेक्रेटरी बना है, वो हमारे पूरे परिवार और एक कुनबे के साथ अपन पूरी ताकत के साथ शिवराज सिंह चौहान और मोदी के किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ यूथ कांग्रेस परिवार जैसे विगत 5 वर्षों में पूरी ताकत के साथ सरकार के खिलाफ लड़ता रहा है, यह मेरी जावाज पूरी ताकत के साथ ये टीम शिवराज सरकार और मोदी सरकार को ईंट से ईंट बजा देने का काम करेगी। यह पहले तो इस पूरी टीम को, इस पूरे यूथ कांग्रेस परिवार को मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। यहाँ पर हमारे 4 विधानसभा के अध्यक्ष हैं। अमृतांश तिवारी जी हमारे सिरमौर से जीते हैं, हर्षवर्धन तिवारी जी हमारे निर्विरोध हैं। मतलब एक बड़ी मिसाल है कि हमारे रीवा जिले में 2 हमारे विधानसभा अध्यक्ष निर्विरोध, रावेन तिवारी जी हमारे त्योंथर से निर्विरोध अध्यक्ष बने हैं, प्रमोद पटेल जी हमारे गुड़ से अध्यक्ष बने हैं, बहुत कम वोटों से रह के हमारे उपाध्यक्ष बने हैं अनुज भाई और आलोक मिश्रा जी थोड़े कम वोटों से रह के हमारे उपाध्यक्ष बने और ताकतवर उपाध्यक्ष बने हैं। हमारे यहाँ पे जिले के सेक्रेटरी की टीम है, प्रिंस मिश्रा जी जनरल सेक्रेटरी बने हैं, अतुल मिश्रा जी जनरल सेक्रेटरी बने हैं,
सरोंजान जी जनरल सेक्रेटरी बने हैं, शिवा बख्शी जी जनरल सेक्रेटरी बने हैं। पूरी ताकत के साथ यूथ कांग्रेस टीम और पुनः शिल्पी राजेंद्र शर्मा जी की टीम पूरी ताकत के साथ जिले में उभर कर सामने आई और ये टीम फिर से हमारा जीत और हार का जश्न खत्म नहीं हो रहा। हमारा आज हम जीते हैं और कल सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियों और कुशासन के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ हमारी पूरी यूथ कांग्रेस टीम पुनः सड़कों पे उतरेगी और सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी। अब आलोक मिश्रा जी हैं हमारे उपाध्यक्ष हैं जिले के, वो आप लोगों से रूबरू होंगे। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।